नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज CISF GK के लिए आपकी ये चल रही है दोस्तों, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करते हैं। तो इस तो क्वेश्चन दिया हुआ है और वीडियो को आप बिना कहे शेयर और लाइक कर दिया करें दोस्तों। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 32। अब दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि आर्टिकल 21A। दोस्तों ये कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। दोस्तों आर्टिकल 44 में दोस्तों समान नागरिकता सिविल संहिता जो है वो दिया हुआ है। और दोस्तों आर्टिकल 32 में दिया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट डाल सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, जयपुर के एक महल है, जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों, वो कौन सा महल है ये आपको बताना है। लालगढ़ पैलेस, उम्मेद भवन, हवा महल, सज्जनगढ़ पैलेस। अब दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, हवा महल। दोस्तों हवा महल जो है वो 1799 में बनवाया था, जो कि सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों, और इसकी जो डिजाइन बनाई थी वो लालचंद उस्ताद ने बनाई थी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये जयपुर में, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है, कलहारी, ग्रेट ब्रिटेन बेसिन, ग्रेट बेसिन, सहारा, थार। दोस्तों अब आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कलहारी, यानी कि ये कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नृत्य है जो बाघ भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, घरेलू गौरैया, एशियाई कोयल, हरियल पक्षी, सारस क्रॉच। अब दोस्तों आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सारस क्रॉच। तो दोस्तों ये तो बात हो गई राज्य पक्षी की, उत्तर प्रदेश की। राज दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, वो है पलाश का। और दोस्तों जो चिन्ह है उत्तर प्रदेश का वो है एक व्रत में दोस्तों दो मछली और एक धनुष एक बाण। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर दोस्तों बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो फिर मणिपुर कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है, तो दोस्तों ये करता है म्यांमार के साथ, जिसका दोस्तों पुराना नाम था बर्मा, म्यांमार का। अब दोस्तों जो बांग्लादेश है इससे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के, तो दोस्तों 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से 4096 किलोमीटर लगभग लग रही है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जून 2022 के लिए किसे ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, विराट कोहली, जॉनी वेस्ट्रॉय, जॉय रूट,
डेरियल मिचेल। तो दोस्तों अब आपको सही आंसर बताना है इसका क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दो, यानी जॉनी वेस्टरॉय दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 15 जून 1909 में हुई थी। 15 जून, ये दोस्तों नोट कर लें आप, 1909 में हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, दुबई यूएई में है दोस्तों, दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और जो अध्यक्ष हैं आईसीसी के वो हैं दोस्तों ग्रेग बार्कले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आपको बताना है डैश पर, कोशिका या सेल का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वे भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों आपके सामने, दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको दोस्तों 1886 में खोजा गया था, किसके द्वारा, अल्टमैन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, अल्टमैन के द्वारा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, साबरमती, माही, गांगरा, भीमा। दोस्तों अब आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घांगरा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, घांगरा। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये गंगा की दोस्तों सहायक नदी है घांगरा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना डलहौजी के कार्यकाल में नहीं हुई थी। पहली, टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत, व्यपगत के सिद्धांत की स्थापना यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स, और दोस्तों तीसरा, पासिंग ऑफ विडो मैरिज है दोस्तों, यहाँ पर ये एन गलत लिख गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित होना, ऑप्शन फोर दोस्तों, सहायक गठबंधन प्रणाली की स्थापना। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहले तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सहायक गठबंधन प्रणाली की स्थापना, जो कि दोस्तों किसके समय पर हुई थी, वेलेजली के। किसके समय पर दोस्तों, वेलेजली के समय पर ये हुआ था। अब दोस्तों जो डलहौजी है उसका कार्यकाल कितने से कितना रहा था, तो दोस्तों 1848 से 1856 तक रहा था डलहौजी का, जिसमें दोस्तों जो टेलीग्राफ है इसकी जो डाक सेवा थी दोस्तों वो कब स्टार्ट हुई थी, तो 1854 में, और व्यपगत का सिद्धांत दोस्तों ये 1848 में ही लाया गया था इसके द्वारा, और दोस्तों जो पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 में आया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका है। किसका है दोस्तों, मैंगो का यानी कि आम, पाइनएप्पल यानी कि अनानास, बनाना यानी कि केला, पपाया यानी कि पपीता। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताएं आप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैंगो यानी कि आम। अब दोस्तों जो बचे हैं इनके भी हम बात करते हैं, जैसे कि अनानास। अनानास का दोस्तों क्या हो जाएगा, अनानास कोमोसस। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनानास तो ये लिखा हुआ है, ये लिखना है, और कोमोसस ये दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम है, अनानास का। केला का दोस्तों देखते हैं, तो केला का क्या हो जाएगा, मूसा पैराडिसिका, मूसा पैराडिसिका लिख लें दोस्तों, मूसा पैराडिसिका, पैराडिसिका दोस्तों इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनको, हम बोल रहे हैं आप लिख लें। और दोस्तों जो पपीता है इसका क्या होगा, पपीता का हो जाएगा दोस्तों कैरिका पपाया, कैरिका पपाया। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, वर्ष 2022 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, एनी एरनॉक्स, यास्मीना रेजा, मिशेल हॉलेबेक, लीला इस्लिमानी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी
एरोनॉक्स, ऑप्शन एक दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोस्तों फ्रांस से हैं, कहाँ की थी ये, फ्रांस की हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था, 1957, 1954, 1955, 1951। अब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक, 1957। दोस्तों जो पहली लोकसभा थी वो हमारी 1952 में गठित हुई थी, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दोस्तों जो दूसरी लोकसभा थी इसमें भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से हॉकी खिलाड़ी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, हरमिक सिंह, बलवीर सिंह दोसांझ, जयपाल सिंह मुंडा, ध्यानचंद। अब दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयपाल सिंह मुंडा। दोस्तों ये झारखंड आंदोलन के नेता थे और ये हॉकी के खिलाड़ी थे दोस्तों। 1928 में इनकी कप्तानी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, और दोस्तों ये संविधान सभा में भी शामिल थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व सेरेब्रल पलाशी पालसी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सेरेब्रल पालसी दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। अब दोस्तों आपको बताना है, तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा वाला दोस्तों, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, डांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में डांडी नमक मार्च का गंतव्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि जो डांडी नमक मार्च था दोस्तों वो डांडी से शुरुआत हुई थी, साबरमती था। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा गुजरात में है, कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अब्दुर रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा शताब्दी में की, कौन सी शताब्दी में की थी दोस्तों, तो जल्दी से बताएं, 17वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15वीं शताब्दी, कौन सी में, 15वीं शताब्दी। कब आया था दोस्तों ये, 1442 में, फारस का यात्री था दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, यानी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मास डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया। अब दोस्तों आपको बताना है, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा डेंसिटी यानी डी इज इक्वल टू क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी वॉल्यूम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अब दोस्तों आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय, क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघालय बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने चेचक के टीके का विकास किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एल्बर्ट आइंस्टीन, एडवर्ड जीनर, लुइस पाश्चर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जीनर, कौन दोस्तों, एडवर्ड जीनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिकों ने एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज किस वर्ष की थी, तो दोस्तों जो एड्स का वायरस है वो HIV है। तो चलते हैं अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या हुआ, 1989, 1992, 1965, 1983। तो दोस्तों जल्दी इसका आंसर बताएं आप क्या हुआ, जल्दी से बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1983, कितना दोस्तों, 1983। पेरिस में दोस्तों इसकी खोज कहाँ हुई थी, पेरिस में पाश्चर इंस्टीट्यूट में, ल्यूएक
माउंटेनियर की टीम ने दोस्तों की थी HIV-1 की खोज। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबेल लॉरिएट्स। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन, रामकृष्णन, मनोज दास। दोस्तों पहले आंसर की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन फोर, मनोज दास को दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, और इन सभी को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है। और दोस्तों अब तक कुल भारत में दोस्तों 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है साए हमदान मस्जिद नदी के किनारे है। तो दोस्तों साए हमदान मस्जिद किस नदी के किनारे है, झेलम, सतलज, व्यास, चिनाब। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झेलम, झेलम नदी के किनारे दोस्तों साए हमदान मस्जिद झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है। दरिंदुवाड़ी, नैनीताल, चकराता, मसूरी। तो दोस्तों अब बताएं आप इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दरिंगवाड़ी। ये दोस्तों कहाँ पर है, फिर हिल स्टेशन तो ये भी है लेकिन कहाँ पर है, ये उड़ीसा में, कहाँ दोस्तों उड़ीसा में है। तो अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है और दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वे उच्च न्यायालय द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत हैं, वे निरंकुश नहीं हैं लेकिन परिमित हैं, वे अलंघनीय या स्थायी हैं, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है कथन, दोस्तों कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन तीसरा वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको अपना स्कोर बताना है कि 25 में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। चाहे कितने भी दोस्तों हों तो बस आप बिना झिझके बिना उसके दोस्तों आप अपने नंबर शेयर कर सकते हैं, बताएं दोस्तों क्या आपका स्कोर रहा, जिससे दोस्तों और आप मेहनत करें। डेली आपको दोस्तों वीडियो मिलती है ये 10 बजे दोस्तों, तो बस वीडियो को देखना ना भूला करें दोस्तों। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।